थोड़ी सी गेंद, हम खेल ले दूसरी गेम। और इतनी पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? नीचे पड़, नीचे गिर, नीचे गिर। मार दिया ना तुझे 2 सेकंडों में। अब तेरी बारी है क्रीपर। क्रीपी, हाँ मैं वुल्फ वाला वो ले लूँ पहले। ये भी मर गया है। ओके गाइस, और अब देखते हैं यहाँ पे इस ना, मेरे को अपना वो बना लेना चाहिए पहले। अपना यहाँ पर मेरे को वो भी डालनी पड़ेगी। ओके गाइस, यहाँ पे एक ब्रेक डाली, यहाँ पर डाली, यहाँ पर डाली, यहाँ पर डाली, यहाँ पर डाली, इसे डाल दी मैंने ब्रिक। और ना एक मैंने, हाँ इसे जोड़ना है मुझे, तो फिर मैं ऐसे ही क्यों ना जोड़ लूँ। लावा ऊपर दिख रहा है हमारे को, ऐसे जोड़ना है मुझे, तो फिर जोड़ लूँगा। ऐसे करना है, यहाँ पर ये सारा लावा वगैरह मिक्स होएंगे। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे को इसे यहाँ पर ऐसे करना है। ओके, यहाँ पर ब्रिक्स ढेर लगा दी हमें ना, लावा में जा सकते हैं हम, लावा के अंदर हैं हम, लेकिन हमारे को कुछ नहीं होया। अच्छी बात है गाइस, हम ना अपनी इस बेड को रख लेते हैं इन्वेंटरी में, और ले लेते हैं हम एक लावा की बकेट। ओके गाइस, लावा की बकेट ले चुके हैं, अब हमारा बन जाएगा अनलिमिटेड स्टोन सोर्स। ये लावा की बकेट इधर डाल ली, ये लावा चल रहा है नीचे, नीचे चल, नीचे चल बंदे। आ गया लावा, अभी तक तो इतना ही पूछ चाहिए लावा का बच्चा था। ये वाव गाइस, बन गया हमारा अनलिमिटेड स्टोन फार्म, बन गया। आप हमारे को ना इसकी जगह ले लेनी चाहिए एक वाटर की बकेट। ये मिल्क है, ये पाउडर स्नो, ये ले ली वाटर बकेट। और इस सारे लावा को मैं कर देता हूँ एकदम से शांत। ओए, इसको भी अभी कन्वर्टिंग होना था। मैं इस सारे लावा को शांत कर देता हूँ एक इधर। अब मैं इसकी जगह ले लेता हूँ एक सिंपल वाली बकेट। बकेट ले लिया, इसे यहाँ से चका, इसे इधर से, इसे इधर से, ये रुक गया है। और अब हमारी इन्वेंट्री में देखते हैं, कोई लावा बकेट नहीं, अच्छी बात है। अब हमारे को वो भी ले लेना चाहिए लावा की बकेट। और ना इसे हमारे को वापस से बना देना चाहिए एक स्टोन फार्म में, बदल देना चाहिए। ओके गाइस, इसे हमारे को डालना है, इस वाली ब्रिक्स को तोड़ना है, पहले ये लावा जुड़ जाए। ओए, ये लावा तो मेरी आएगा, मुझे इस लावा को यहाँ पर से ब्लॉक कर दो गाइस। जहाँ पे अब हमारे को एक कोबल स्टोन दिखेगा ना, वहीं पर ही हो पाएगा काम वापिस। वो रहा कोबल स्टोन, अच्छा ये मुझे तोड़ना है ब्लॉक। और ना जैसे ही ये वाटर के ऊपर गिरेगा ना लावा, अब पहले हमारे को यहाँ पर एक ना दो दो ब्रिक्स लगा दी, एक ब्रिक ऐसे लगा के हमारे को यहाँ पे लावा की बकेट डाल दिए हमने। और अब हम ना अपने ना ड्रैगन हेड को एक जगह ले लेते हैं, वो एंडरपल है क्या? एंडरपल फेंक तो देखते हैं। वाओ, ये एंडरपल तो है ही नहीं, ये वाली नहीं चाहिए हमारे को, ये चाहिए
आई ऑफ एंडर। इधर इस ब्लॉक पे है क्या? ये एंडर पर जा तो फिर जा कहाँ पर रही है? इसका तो हमारे को नहीं पता गाइस कि ये एंडर पल जा तो फिर जा कहाँ पे रही है, लेकिन गाइस उधर हमारे कुछ है वहां पर जाके देखते हैं। ये क्या बना हुआ है बीच में इसके, मुझे तो ये भी नहीं पता है। ये शायद तक एक ना इसलैंड होएगा। और अब हम अगर इधर एंडर पल मारे तो ये जाएगी टूट की, ये भी गिर पड़ी पानी में गिर गई। ये भी वाटर में गिर गई, तो फिर ये पानी नीचे से तो एकदम साफ है। ये पानी नीचे से तो एकदम साफ है गाइस, तो फिर ऊपर से इतना गंदा कैसे है पता भी नहीं है हमारे को। चलिए गाइस हम अपने उस में जाते हैं सीधा उस सुंदर विलेजर्स के कमरे में, वहां पर देखते हैं कि हमारे को क्या क्या मिलेगा। ओके ना गाइस, अभी हमारे को यहाँ पे ढेर सारी एंड पल छोड़ देनी चाहिए। देखता हूँ ये सारी एंडर पल तो उधर जा रही है। वाओ ये एंडर पल इधर है ना, तो मैं ऊपर बादलों से छोड़ूंगा इसे। देखते हैं कि ये वाली एंडर पल जा तो फिर जा कहाँ पर से रही है। ये एंडर पल सीधा यही गिर रही है, ये एंडर पल तो है ना गाइस। और ये पड़ी मेरी सारी गिरी हुई एंडर पल्स, ये उठा ली, ये सारी की सारी उठा लेते हैं हम। एंडर पल एंडर पल ब्रेक नहीं होता है माइनक्राफ्ट के बंदे को ना क्रिएटिव में घूमने का, एक भी ब्रेक नहीं होता है माइनक्राफ्ट के बंदे का क्रिएटिविटी का। ओके गाइस ब्रेक नहीं है, अब हम जल्दी से ना नीचे उतर के एकदम से सर्वाइवल में आ जाते हैं, क्रिएटिव से सर्वाइवल मोड हो चुका है। अब हम चल पड़ते हैं अंदर, और हमारे गांव के सारे विलेजर्स आखिरकार गए तो फिर गए जाते कहाँ हैं? हर रोज जाते हैं यहाँ पर, ना तो कोई लाइब्रेरियन है ना गाइस? अभी तक तो हमारे को कोई लाइब्रेरियन ही नहीं मिला है। चलो देखते हैं कि बाहर है क्या लाइब्रेरियन, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर तो नहीं है कोई विलेजर, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा वो विलेजर। ओके ना गाइस, लाइब्रेरियन मिलता ना तो फिर वो हमारे को मेंडिंग देता। हमारे शल्कर बॉक्सेस में होएगा क्या कुछ? शल्कर बॉक्स, इसके अंदर है विलेजर एग। हाँ है गाइस, विलेजर वाला एग मिल गया है। अब हम इन्हें यहाँ पे एग स्पॉन कर देते हैं। तुम्हारे को ये काम दिया गया है, तुम सारे ये काम करो, मैंने तुम्हें एग स्पॉन कर दिया है, तुम्हारे को ये सारा काम करना है ठीक है विलेजर। एक लाइब्रेरियन निकल आया, वाह शाम भी हो गई है। चलो गाइस दो विलेजर्स हो गए हैं तो ना हम भी सो जाते हैं। तुम ना उठते सोते हो या फिर नहीं विलेजर? आ जाओ तुम सारे, इसे उठाओ।
उठ ही नहीं रहा ये विलेजर तो। चलो हम तो सो ही जाएंगे, तो इसे उठाता हूँ इस वाले को और फिर आराम की नींद सोऊंगा अपने बेड पे। सो चुका हूँ। अब हमारे को ना ये बंदा दिन में सोता है रात को नहीं, शायद तक ये कोई और बॉय होएगा। लाइब्रेरियन अपने काम पे लग, ये एक्सपोन हो जाए एक्सपोन हो जाए एक्सपोनिंग एक्सपोनिंग कर दो। कर दिए हमने, एक यहाँ पे एक्सपोन होंगे, कुछ मैं बंदा ऊपर की ओर एक्सपोन कर देते हैं, एक मुझे यहाँ पर एक्सपोन करने हैं सारे विलेजर्स को। ओए एंडरमाइट एंडरमाइट कहाँ से आ गई, एंडरमाइट 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 एंडरमाइट। ओ नो, इससे मेरी कोई हेल्थ नहीं जाएगी। एंडरमाइट तू कहाँ भागेगी, मर गई ना, एक सेकंडों में ही मर गई एंडरमाइट भी। शायद तो एंडरमाइट इन ब्लॉक से निकलती होगी, है ना गाइस। ये लगा दिया ब्रिक्स को, देखते हैं इसमें से निकलेगी क्या एंडरमाइट। निकल गई निकल गई निकल गई एंडरमाइट, एक में ही मर जाती है एंडरमाइट तो, है ना गाइस। चलो अब हम ना चलते हैं एंडरमाइट एक्सपोनर बनाएंगे और वो करेंगे सीधा हम अपने वाटर सोर्स की ओर। जो हमने सोर्स ना कंप्लीट कर दिया है ना, वो किधर है, उधर। अच्छा ये रहा वो सोर्स, जैसे यहाँ पर मैं ना इन्हें लगाऊंगा तोड़ूंगा एंडरमाइट जलेगी। चल चलता है यानी विलेजर। हाँ एक आइडिया है गाइस, इस एंडरमाइट को मैं यहाँ पे डालता हूँ एक ब्लॉक, उसे यहाँ पर डालना और सीधा एक्सपोन होते ही गई वो तो इस दुनिया से। आजा एंडरमाइट, आ क्यों नहीं रही है, अब तू मर गई एक तो गाइस। हमारे को यहाँ पे ना ढेर सारी एंडरमाइट लानी चाहिए, एक और इतनी सारी एंडरमाइट काफी नहीं है हमारे लिए। एंडरमाइट अब तेरा काम है इनके ऊपर एक्सपोन होना, ठीक है एंडरमाइट। एंडरमाइट नंबर 1 2 3 4 5, पांच एंडरमाइट मैंने एक्सपोन कर दी हैं। ओके गाइस, और ना कुछ मेरे को ना अपने इतना उन गोलेम्स को भी आज़ाद कर देना चाहिए गाइस। चलो चलें अंदर और ना वो ले लेते हैं हम तीर कमांड, मैंने यहाँ पे ही रख रखा होगा। इनमें से किसी शल्कर बॉक्स में मेरे वो तीर कमांड हो सकते हैं कि मिल जाएं। इसमें है ना, हाँ इसमें ये गाइस मेरे वो तीर कमांड है। ये रहा एक, ये ले लिए एंडर ड्रैगन हेड की जगह भी ले लिया, और ना ये सीधा जाके ना मैं ना आयरन गोलेम्स के नीचे रखूँगा, फिर बस मुझे दूर से एक ना वही छोड़नी है डोर को, फिर आयरन गोलेम नीचे आ जाएगा और इन्हें मार देगा। इन्हें मैं अंदा अब निकाल लेता हूँ एंडरमाइट को, ये इसे तोड़ना भी होता है ना तो इसे तोड़ो। हर किसी से एंडरमाइट निकल चुकी है, अब हम इन गोलेम्स को, ओए इसके तो लगी गई है सेटिंग,
क्रिएटिव, आई एम इन द क्रिएटिव मोड। ये क्या? हाँ, और भी ज़्यादा इंटरमाइट ना स्पॉनिंग करूँगा मैं थोड़ी देर बाद। आयरन गोलेम ये गया, पहला आयरन गोलेम ने ना उड़ा दिया इसे। और टॉर्च किसी का ले लेते हैं हम, वो जो रस्सी मिली है ना हमारे को, इस आयरन गोलेम की जगह वो ले लेते हैं हम इसकी जगह पे। और अब तेरा कोई काम नहीं है आयरन के गोलेम, स्टील अब तेरा कोई काम नहीं है, तू यहाँ पे बंद। ओए, तूने तो रस्सी तोड़ दी इतनी ऊंचाई से गिर के। स्टील है ना ये, इसीलिए इस तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। ओके गाइस, एक जगह पहले ये लटक जाए, ये बांध दी रस्सी, और इधर कर देता हूँ एक पिरामिड ऑफ एंड्रमाइट। फिर सारे आयरन गोलेम इधर से एंड्रमाइट किल कर देंगे। इसे इधर, ओए आयरन के ना बोझ, तू पहले यहाँ पर से नहीं उतर सकता था है आयरन के बोझ। अच्छा, अब समझ में आया कि हम इन्हें सिर्फ ना उसमें आके, सर्वाइवल में आके निकाल सकते हैं। अच्छा, सेटिंग में गए, सर्वाइवल होए, हो चुके हैं हम सर्वाइवल। ओए एंडरमाइट, ये रही, अब सिर्फ हमारे को इस एंडरमाइट को मारेंगे गोलेम, और मैं आ जाता हूँ सर्वाइव क्रिएटिव में। ओए वो एंड्रोमाइट नीचे उतर गई, तो फिर तू भी चल नीचे आयरन के बोझ, तू भी चल नीचे, ये मार दे उसे। ओए वो एंड्रोमाइट ही भाग गई। हाँ मैं इधर ना वो स्पाइडी को एक्सपोन करता हूँ, तब देखते हैं कि ये स्पाइडर को मार पाएगा। गाइस स्पाइडर एग, स्पाइडर एग तो नीचे होंगे, एग्स तो सारे के सारे एग्स नीचे होते हैं, एकदम नीचे पहुंच भी जाऊं। ये है स्वैम मूल एग, टर्टल डोंकी, ये है एंड्राइड ज़ॉम्बी, वैक्स, ये वार्निंग, ये ना स्वेम गास्ट, ये स्वेम एक्स, तो मुझे वो चाहिए एंटरमाइट का भी एक्सपोन नहीं बनाना मुझे। हाँ एक एंटरमाइट का एक्सपोनर बना देता हूँ। एंटरमाइट एक्सपोनर लिया, अब नीचे नीचे मुझे एक एक्सपोनर चाहिए, और वो मिलेगा हमारे को इनमें। ये ले लिया एक एक्सपोनर और फैंस, और फिर ना हम गेम ओवर कर देंगे गाइस। ओके बस हमारे को इधर एक ना वो एंडमाइट एक्सपोनर बनाना है। वो मुझे पहले इस बोझ को इधर बांध देना चाहिए, बांध दिया। अब हमारे को ना इधर की ओर ढेर सारे ना वो लगा देने चाहिए फेंसेस, और फेंस लगाने हैं इधर, यू कर दिए ऐसे, लगा दो ढेर सारे ओक फेंसेस ऐसे। गाइस ओक फेंस लगाने के बाद हमारे को बीच में एक एंडरमाइट एक्सपोनर बनाना है। ये गोलेम भी इधर तक लटके हुए हैं ना, तो फिर इधर इसे किया, और इस ग्रास को तोड़ा हमने। ओके गाइस इसे यहाँ पे लगाते जाओ लगाते जाओ, ये हो गया, इसे हमारे को यहाँ तक करना है, इसे बनाते जाओ आगे। ओके गाइस ऐसे लगाए कुछ हमने फैंसेस, फिर हमारे को इसे यूं करते जाओ लगाओ लगाओ लगाओ, ये कर दिया। अब हम नो जहाँ कहीं पर भी मैंने गड्ढे बना देता हूँ इधर,
दो तीन चार। अब हमारे को बस इन्हें ना नीचे लेके आना है। आयरन नंबर 1, आयरन नंबर 2, आयरन नंबर 3, आयरन नंबर 4, आयरन नंबर 5। पहले हमारे को इधर, ओए तू नहीं मानेगा, आयरन के बोझ तू नहीं मानेगा, आयरन गोलेम तू कहाँ पे मानेगा। अब बस हमारे को एक ब्लॉक और तोड़ के एंडरमाइट एक्सप्लोरर को चालू करना है। ओए आयरन के बोझ तू हट इधर से ना। अब हम ना हमारे को इतना इस एक्सपोनर को चालू कर दिया। अब हम अपने वीडियो को एंड कर देते हैं और हमारे यहाँ पे एक्सपी एक्सपोनर बन गया है। अब हम एक बार सर्वाइवल में आके वीडियो का एंड करेंगे। ओके गाइस, मुझे अभी ट्यूशन जाना है। ओके चलिए गाइस, आज का वीडियो हम एंड कर देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे वीडियो और भी मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।